नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? एएससी आरओ एआरओ के विज्ञापन बहुत ही जल्द आने वाले हैं। अब बहुत जल्द का मतलब ये नहीं कि आपका 2-3 दिन में, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लगातार जो बच्चे पूछ रहे हैं वो ये है कि सर कितना समय हमें मिलेगा पेपर होने में। नो डाउट जब आप ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसका जो स्तर होता है वो काफी अच्छा होता है, दूसरी बात जिनकी कट ऑफ भी काफी हाई जाते हैं, कारण बहुत सारे हैं, उसका जिक्र हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, बट फिर भी कितना समय आपको मिलेगा, इस समग्र आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए और आपके पास क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, इसमें क्या क्या इस बार बदलाव है, चाहे वो पैटर्न हो चाहे सिलेबस हो, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हो और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं कि कब नोटिफिकेशन इसका आ रहा है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा नोटिफिकेशन जल्द, तो जैसे ही अभी इसकी जो बोल सकते हैं कि जितने भी अधियाचित पद हैं लगभग इस बार 370 के आसपास पद आने वाले हैं आरओ एआरओ दोनों मिला के। इसके साथ कुछ और भी पद आएंगे जैसे सीए का हो गया, हो सकता है कि और भी एपीएस वगैरह एक दो पद आपके और जुड़ के आए, तो टोटल ओवरऑल वैकेंसी आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। बट आरओ एआरओ की बात किया जाए तो लगभग 370 पद आने वाले हैं और इन 370 पद के जो अधियाचन है वो लगभग आ गए हैं। अब रही बात कि कब आएगा नोटिफिकेशन, तो इसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि आपका जुलाई लास्ट या अगस्त में आए, या हो सकता है कि अगस्त का महीना भी निकल जाए, अगस्त के लास्ट सितंबर के पहले आए या अगस्त के अंतिम वीक में आए। मतलब कि नोटिफिकेशन आने में आपके पास अभी मौजूदा समय से लगभग 35 से 40 या हो सकता है 50 दिन आपके पास है। लेकिन क्या जब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी? नहीं। उसका कारण यह है कि इस बार भी आपका जो पेपर कराने जा रहा है वो कौन कराएगा? एनटीए कराएगा। और एनटीए ने अपने प्रारूप में थोड़ा सा बदलाव लाते हुए इस पेपर को ऑनलाइन न करा के ऑफलाइन कराएगा। आरओ एआरओ के पेपर में हमेशा देखा गया है कि ऑनलाइन पेपर होता है, सेम डे आपका टाइपिंग होता है, लेकिन इसमें इस बार क्या होगा कि ये दो चरण में होंगे। अब जो ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि पहले आपका पेपर ऑफलाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड में होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि एक लिस्ट निकाली जाएगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पे आपको टाइपिंग के लिए अलग से बुलाया जाएगा, जैसे पूर्व में होता था इलाहाबाद हाईकोर्ट जब खुद इस पेपर को कराती थी। लेकिन अब बीच में क्या हो गया था, इसको कराने का जिम्मा क्या हो गया था, एनटीए के पास आ गया था। तो अब पेपर तो आपका एनटीए ही कराएगी, ये आपका लगभग 100% ही बोल सकते हैं, ठीक है, कि एनटीए आपका पेपर कराएगी। दूसरी बात, आपका जो पेपर होगा वो पेन पेपर बेस्ड होगा। कैसा होगा? पेन पेपर बेस्ड होगा, या आप बोल सकते हो कि ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है, ऑफलाइन मोड में आप इसे बोल सकते हो कि जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर बेस्ड मोड होगा। और टाइपिंग में समय कितना मिलेगा, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है ये, तो अभी देखा जाए कि सबसे पहले बात तो आपका नोटिफिकेशन हम मान के चले कि अगस्त मिड में आता है, मतलब आपके पास अभी से लेके करीबन 40 से 45 दिन है, तो उसके 2 से 3 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि एनटीए समय ज्यादा नहीं देता है पेपर कंडक्ट करने में, वो अपनी सारी तैयारी क्या करता है पहले कर लेता है। इन बिटवीन मुझे लगता है कि ये केवल ईपीएफओ एसएससी का ऐसा पेपर हुआ है जो मार्च अप्रैल में क्या लिया है, फॉर्म फिल कराया है, और अगस्त में उसका जाके क्या होगा, पेपर होगा। फिर भी अगर देखा जाए तो अब मार्च अप्रैल के बाद से मई जून जुलाई तब भी मैक्सिमम 3 महीना दिया, जिसे मैं लेट बोल रहा हूं, तो उसका जल्दी कितना जल्दी होता है वो कई बार 1.5 महीने 2 महीने में भी करा लेता है। तो एक बात समझ लेना कि जब आपका एक बार फॉर्म आ गया उसके बाद एग्जाम क्लियर होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि एनटीए सब कुछ अपना तैयार करके बैठती है, तो वो आपको 1.5 से 2, हो सकता है 1 महीना मिले, हो सकता है 2 महीना मिले, मैक्सिमम आपको 3 महीना मिलेगा। तो अगर 3 महीना वो ले लें, 1.5 महीना इधर ले लें, तो आपकी तैयारी के पास जो समय है वो लगभग 4 महीने, 4 से 5 महीने, कहने का मतलब कि आपके पास 120 से लेकर 150 दिन है, और 120 से लेकर 150 दिन में जो आपका पैटर्न है वो आपका पैटर्न तो चेंज नहीं होगा, ना ही सिलेबस चेंज होगा। ये सिलेबस आपका यूपी सेक्रेटरिएट, यूपीपीएससी आरओ एआरओ की तरह ही है। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी चर्चा किया था, जो नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, देख लीजिएगा एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिखा दूं कौन कौन से टॉपिक है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति जो आपकी पॉलिटी के टॉपिक है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, जनसंख्या पर्यावरण और नगरीकरण, विश्व एवं व्यापार का, विश्व भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, समसामयिक मुद्दे,
और इसके बाद आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता रीजनिंग का, उत्तर प्रदेश के स्पेशल सामान्य हिंदी के 10, सामान्य अंग्रेजी के 10 और कंप्यूटर के 20 से 22 क्वेश्चन। पिछली बार जो पैटर्न था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इससे पहले इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते थे, अब बट 50 नहीं है। लगभग आपके 12 टॉपिक हैं और जो क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे। 12 टॉपिक आपके, 200 क्वेश्चन है और आपके पास 12 टॉपिक है, मतलब अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो लगभग 15-15, ठीक है, 15-15 आपके क्या हो जाएंगे क्वेश्चन ईच टॉपिक से पूछे जाते हैं। कई बार किसी में 20 पूछ ले जाते हैं तो किसी में 10 भी पूछ ले जाते हैं ऑन एवरेज। जैसे हिंदी और अंग्रेजी, इसको मैं एक लिया हूं तो इसके भी 20 पूछे जाते हैं, मतलब 10 हिंदी के 10 अंग्रेजी के। कंप्यूटर के लगभग 20 पूछे जाते हैं तो किसी में 15 से कम भी टॉपिक अंग्रेजी में, जैसे पिछली बार 10-12 ही प्रश्न पूछा गया था। तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया था, 50 क्वेश्चन से सीधा 10 क्वेश्चन पे आके गिरा था, और ये बहुत बड़ा बदलाव और यूपी वाले बच्चों के लिए बहुत आराम, बहुत मतलब राहत की भी सांस थी जो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले बच्चे थे। तो आपका पैटर्न लगभग वही रहेगा, इस बात को समझते हुए चलना, ठीक है। इसमें हिंदी अलग से नहीं होती, या आप जो सिलेबस दिया गया था यही है। जो टाइपिंग का पैटर्न है वो टाइपिंग का पैटर्न भी नहीं बदलेगा, टाइपिंग के पैटर्न में निगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ वही रहने वाला है। और पिछली बार टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे क्योंकि उन्होंने जितना वर्ड, वो क्या करते हैं वो 500 वर्ड एग्जैक्ट देते हैं, तो जो 500 वर्ड नहीं टाइप कर पाया था वो बच्चे क्या हो गए थे, उनका एनटीए स्कोर ही जनरेट नहीं हुआ था, जिसके कारण से कट ऑफ के ऊपर भी नंबर पाने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये गलती उम्मीद है इस बार नहीं करोगे। और बाकी सारी चीजें, ये आपका पिछली बार सीबीटी बेस्ड था, इस बार आपका पेन पेपर बेस्ड होगा। टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, एमसीक्यू होंगे, मैक्सिमम मार्क भी 200 होगा, एक पॉजिटिव का, इसमें नेगेटिव नहीं होता। इसमें सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और यही कारण क्या होता है कि कट ऑफ और हाई चला जाता है, ठीक है। ना ही नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, कोई सेक्शनल कट ऑफ भी इसमें नहीं होता है, कोई भी आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ नहीं होता है, ओवरऑल आपकी मेरिट बनती है। और टोटल समय जो आपको दिया जाता है वो 3 घंटे का समय दिया जाता है, टाइपिंग आपको 20 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 50 नंबर का होगा, इसमें नो निगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें निगेटिव होता है, मतलब कि आपका 10% ऐसे बोल सकते हो कि 10 गलतियों पे 0.1 नंबर आपका कट जाता है, ठीक है। इस हिसाब से आप चलता है। मिनिमम स्पीड आपकी 25 होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 25 होना चाहिए। कई सारे बच्चों ने पिछली बार मार्क्स ज्यादा होने के बाद भी फुल टाइपिंग नहीं कर पाए थे, इस कारण से क्या हो गए थे, एनटीएस को जनरेट नहीं हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपके लिए सावधानी वाली बात है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे मैं बोला कि नंबर ऑफ वर्ड्स विद मिस्टेक, एक मिस्टेक होगा तो आपका 0.1 नंबर हो जाएगा, और ऐसे करके आपका इवेल्युएट होता है। 10 वर्ड अगर आपने गलत टाइप कर दिया तो आपका एक नंबर कट जाएगा, और ऐसे करके आपके 25 नंबर तक माइनस हो सकते हैं, ये बात आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मिस्टेक, एक मिस्टेक तो निगेटिव मार्किंग है, टाइपिंग में निगेटिव मार्किंग है, वो वहां पर केवल गलत लिखा था, ठीक है। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, पिछली बार जैसे प्रश्न पूछा था 2021 में, इतिहास के 29 प्रश्न थे और दोनों पार्ट, क्योंकि इतिहास के दो पार्ट थे, आप देख लो 15-15, उत्तर प्रदेश के भी लगभग 15, विज्ञान के 22 पूछ लिया था थोड़ा ज्यादा, अर्थव्यवस्था के भी 15, सामान्य रीजनिंग के भी 15, जनगणना नगरीकरण के 24, भूगोल के भी 15, सामसामायिक विषय करंट के भी 15 लगभग पूछा था, राज्य व्यवस्था के भी 15 पूछा था, इंग्लिश हिंदी से 10-10 लगभग 5-5 क्वेश्चन कम हुआ था, तो कहीं बढ़ाया भी है, ऐसे कंप्यूटर से भी 22 क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से लगभग आपके 200 क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाता है, एक बार आप देख सकते हो। इस टॉपिक से 10-15 आप इवनली आप ऐसे समझते हुए चलो, जितने टॉपिक है सबसे 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको बताया, पहले ही बताया, आप फिर से बता दे रहा हूं, आपने ये बोला था सर इसकी अलग से वीडियो बना दीजिएगा, तो अलग से वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब आप इसे ध्यान से सुन लो कि एएससी आरओ का टीम परीक्षा प्लस एक अलग से न्यू बैच लॉन्च कर रही है, कंप्लीटली न्यू बैच है, और ये जो बैच है इसकी प्राइस जो है, ये प्राइस आपकी 999 है, और ये 999 बहुत कम प्राइस है, क्योंकि इसमें आपकी लाइव क्लासेस प्लस उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जा रही है, सारे नोट्स भी दिए जा रहे हैं, और इसमें आपको एमसीक्यू के पीडीएफ भी दिए जा रहे हैं, मतलब कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पीडीएफ भी दिए जा रहे हैं, टॉपिक के टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। जनरली कोचिंग क्या होती है, केवल आपको इससे कहीं ज्यादा फीस में केवल क्लासेस देती है। आपको देखोगे तो टीम परीक्षा प्लस में, हालांकि यूपीपीएससी का भी चल रहा है, बट मैं जिक्र केवल अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का कर रहा हूं, उसको मैं दूसरे वीडियो में कर दूंगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में 999 प्लस जीएसटी इसकी फीस है, इसमें आपको सारी क्लासेस, और जितने आपने देखा कि 12 पार्ट है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस का कोई
पार्ट हो, चाहे यूपी स्पेशल हो या फिर आपका करंट हो, सारे पार्ट को बहुत विधिवत तरीके से यहाँ पे कवर कराया जाना है। सारे आपके पार्ट के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, साथ में ही आपको सारे के सारे टॉपिक टेस्ट, मतलब जैसे भूगोल हुआ, भूगोल के अलग अलग टॉपिक के, चाहे भारत के भौतिक विस्तार की बात किया जाए, भौतिक प्रदेश की बात किया जाए या फिर नदियों की बात की जाए, सारे अलग अलग टॉपिक पे आपके टेस्ट कराए जाएंगे। और ये ऐसे टेस्ट होंगे जो आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्सर पूछते आए हुए हैं या वो जहां से उसका क्वेश्चन बैंक है। अगर एनटीए का क्वेश्चन बैंक देखा जाए तो एनटीए का जो क्वेश्चन बैंक है वो एनसीईआरटी है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट से, एनसीईआरटी के येलो बॉक्सेस से, पिंक बॉक्सेस से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है। तो हम लोग इसके आधार पे जो आपका टॉपिक टेस्ट होगा, इसके आधार पे आपका टॉपिक टेस्ट कराते हुए चलेंगे। नोट्स भी आपको इसी के तर्ज पे बनना है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो है सभी टेस्ट की व्याख्या में हल्की पीडीएफ मिलेगी, 1000 क्वेश्चन के हम लोग लगभग जीएस की पीडीएफ देंगे। और ऐसे ही आपकी यहाँ पे हिंदी इसमें अलग से नहीं दिया जाएगा, जो पूरा आपका है उसमें लगभग 1000 प्लस का आपको जीएस का पीडीएफ दिया जाएगा। बाकी सारे मार्गदर्शन और रणनीति तो आपको समय समय पर मिलना है। आपको ये बैच अगर लेना है तो कहां से लेना है, इसमें जो किताबें मिलेंगी वो किताबें आप ऐसे देख लो, उत्तर प्रदेश विशेष की ऐसे अलग है, आरओ अर्थव्यवस्था की अलग है, राज्य व्यवस्था अलग है, इतिहास आपको अलग मिलेगा, भूगोल आपको अलग मिलेगा, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर और मानसिक सामान्य योग्यता, सब कुछ आपको, जितने भी पार्ट अलग अलग है सबकी किताबें आपको अलग दी जाएंगी। ये पीडीएफ के फॉर्म में होंगी, ये एकदम ई बुक है, आप इन्हें प्रिंट कराओ, उसके बाद आप बाइंडिंग कराओ और अच्छे से पढ़ो, बहुत कम में आपके ये उपलब्धि भी हो जाएंगी। वैसे अगर आप आरओ यारओ की किताबें लेने जाओगे तो सारे मटेरियल अगर फिजिकली, एक किताब आपको 250-300-500 की मिलती है, अगर आप 12 किताबें हैं तो 6000 आपकी केवल किताबें में चली जाएंगी। ऐसे आप प्रिंट करा लोगे तो आपका पूरे जितने भी किताबें हैं सब प्रिंट कराने में हार्डली आपका 250-300 खर्चा आएगा, आपका लगभग 1000 का हुआ तो 1200-1500 रुपए में आपको पूरा कोर्स किताबों सहित बहुत अच्छे से मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसे कई बार भी देख सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आपको पूछना है, तो नीचे नंबर लिखे हुए हैं, नीचे नंबर चल भी रहे हैं, आप यहां से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये नंबर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। नंबर एक बार 9455006007912967700 इन पे कॉल करके हमसे अपनी क्वेरी कुछ भी पुट कर सकते हैं और या फिर कमेंट बॉक्स में हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपको परचेज कहां से करना है, तो परचेज करने के लिए आपको परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड किए तो कोर्सेस में जाना है, आपको ऊपर तीसरे चौथे नंबर पे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारओ का भी और उत्तर प्रदेश का भी आरओ यारओ, दोनों में ही लगभग 350 पद लगभग आपके प्रस्तावित हैं यूपी आरओ यारओ में और 370 लगभग प्रस्तावित हैं आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारओ में, दोनों मिला के लगभग 800 पद देखा जाए तो 800 पद कम नहीं होते हैं, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के आने वाले हैं और दोनों की परीक्षाएं भी लगभग एक ही समय पे होंगी, इस बात को भी मैं पहले बता दूं। तो आप दोनों भी बैच से जुड़ सकते हो, किसी एक से भी जुड़ सकते हो, लगभग आपकी तैयारी एक ही जैसे होनी है। हालांकि हम लोग यूपी आरओ यारओ जो है वो प्री कम मेंस भी लेके चल रहे हैं, उसकी फीस भी आपकी ज्यादा नहीं है। तो उम्मीद है कि इस सेशन से आपकी जो एक मन में हुआ पोता कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारओ की तैयारी कहां से करें, जेन्युइन रिसोर्सेज क्या होंगे, कहां से हमें पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए तो आप कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप वहां से पढ़ो जहां पे आपकी एक बहुत अच्छी एनालिसिस होती है। एनटीए पे अगर देखा जाए तो टीम ने लगातार पिछले एक साल से इस पे एनालिसिस करते आ रही है, विभिन्न परीक्षाओं एनटीए द्वारा जो कराई गई है, चाहे ईपीएफओ का हुआ, चाहे इससे पूर्व में आरओ एआरओ का हुआ। अगर बता दूं मैं आपको तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सफल बैच रहा है वो टीम परीक्षा प्लस का आरओ एआरओ का ही रहा है। पूरे किसी भी आप में पता कर लोगे तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं वो भी कहां पे लेते हैं, आरओ एआरओ में, परीक्षा प्लस में लेते हैं। तो ये बहुत कुछ, इससे ज्यादा कुछ बोलने की आदत नहीं है मुझे अपने बारे में, जो बच्चे पुराने उन्हें सब कुछ पता है। बाकी आपका भरोसा जो होता है, ट्रस्ट होता है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।